बड़ी खबर बगहा से आ रही है, जहां आज फिर एक बार गंडक नदी में कई बच्चे डूब गए। इनमें कईयों ने अपनी जान बचा ली है, लेकिन दो बच्चे अभी भी लापता है। घटना के बाद इलाके में चित्कार और कोहराम मच गया है। दरअसल रविवार की छुट्टी के कारण कई बच्चे गंडक नदी में नहा रहे थे, तभी नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण यह हादसा हुआ है। हादसे में कई बच्चों ने तैरकर स्थानीय नाविक और गोताखोर के सहारे अपनी जान बचाई है, जबकि दो बच्चे नदी में डूब गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं नगर परिषद के चेयरमैन पति पप्पू गुप्ता भी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे हैं और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से लापता बच्चों की खोजबीन में लोग जुटे हुए हैं। इधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची SDRF की टीम भी लापता बच्चों को ढूंढने की कवायद में जुटी हुई है। घटना शास्त्री नगर स्थित बगहा एक ब्लॉक के आसपास गंडक नदी घाट की बताई जा रही है। अरे माई, अरे दादा, अरे दादा, बच्चा डूबा है। बच्चा आया नहाने के लिए, इधर आया डूब गया। प्रशासन की टीम ने अभी गाड़ी नहीं आई है? आई है, बहुत लेट से आई है। हमारे बाबे गंडक बाद आई है। क्या नाम है आपका? हम मनोज कुमार, आई तरफ मनोज। बच्चा डूबा है सब? अरे नहाने के लिए साथ में लड़का आ जा बस। दोनों बच्चे डूब गए हैं? अभी तक प्रशासन टीम कोई आई? क्या नाम आपका? नाम राजेश। डूबे हैं सर? अभी तक प्रशासन की कोई टीम नहीं है, ये दो घंटे का समय हो गया। अभी हमारी CO साहब से बात हुई है और SDM साहब को फोन लगाए थे, लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। DSP साहब से भी बात नहीं हो पाई, क्योंकि उनका भी स्विच ऑफ था। और अभी मैं यहाँ स्थान पर आया हूँ, लोगों से पता चला कि अभी इंडिया की टीम आई है, लेकिन अभी अपना वो बोट सब तैयार कर रहे हैं। CO साहब से भी अभी बात हुई तो वही बोली है कि टीम तो गई है, लेकिन अभी बोट अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें जाने के लिए। दो घंटे का सर समय हो गया? दो घंटे का समय, मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है, तो मैं अब यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर चल के अब स्थान देख रहा हूँ क्या हो रहा है। प्रशासन यहाँ तक अभी आया नहीं? प्रशासन SDRF देखे।